तो देखिए, मिशन चंद्रयान को अगर देखा जाए तो चंद घंटों का वक्त बाकी है, जो लगातार आप देख रहे हैं। इस घड़ी पर लोगों की नहीं, पूरी दुनिया की निगाहें हैं। और मिशन चंद्रयान पर बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आपको बताएं, तय समय पर ही चांद पर लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की। शेड्यूल के मुताबिक ही ये मिशन जारी रहेगा। तो देखिए, तय समय पर ही चांद पर लैंडिंग होगी, ये कहा जा रहा है। शेड्यूल के मुताबिक ही मिशन जारी रहेगा। इससे साफ ये हो जाता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है मिशन चंद्रयान पर। बहुत बड़ी खबर आप जान लीजिए, खुशखबरी है, तय समय पर ही चांद पर लैंडिंग होगी, सॉफ्ट लैंडिंग की पूरी कोशिश। और देखिए, इसरो ने जारी की चांद की नई तस्वीर। एक नई तस्वीर, लेटेस्ट फोटो सामने आई, आपको दिखाते हैं। 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ली गई तस्वीर आपके स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। कल शाम, ये देखिए आप, कल शाम 6:04 पर चांद पर लैंडिंग होगी। और इसरो की तरफ से ये कहा गया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तय समय के मुताबिक ही, यानी कि कल शाम को 6:04 पर ही चांद पर लैंडिंग करवाई जाएगी, ये कहा जा रहा है। ये तस्वीर जो ली गई ताजा, वो आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। तो बिल्कुल, चांद का सबसे नया वीडियो देख लीजिए, 70 किलोमीटर की ऊंचाई से कैप्चर किया गया है। ये सबसे नई तस्वीर है, खासकर साउथ पोल, जिसे सबसे अनडिस्कवर्ड पार्ट ऑफ मून कहा जाता है, वहां से ये तस्वीरें अब आनी शुरू हो गई हैं। 70 किलोमीटर की ऊंचाई से ये कैप्चर किया गया है और कुल 23 किलोमीटर और कवर करना है चंद्रयान 3 को, इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो चलिए, आपको ग्राउंड पर लिए चलेंगे। श्रीनिवास हमारे सहयोगी बेंगलुरु से जुड़े हैं, अहमद बिलाल दिल्ली से जुड़े हैं, रौनक कुकड़े मुंबई से लाइव हैं, मनीष शर्मा जयपुर से हैं, वीरेश पांडे लखनऊ से हैं। जगह जगह चंद्रयान को लेकर के जिस तरीके की एक्साइटमेंट है, जिस तरीके से लोगों में पूजा पाठ का दौर चल रहा है और साइंस यानी विज्ञान अपना काम कर रहा है, इसीलिए सीधा रुख करेंगे श्रीनिवास का बेंगलुरु से। जानने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि आपने अपडेट भेजा, हमने दर्शकों को बताया कि अभी तक ऑल वेल चल रहा है चंद्रयान के साथ। देखिए, अभी जो इसरो ने तुरंत जानकारी दी है, इस जानकारी के मुताबिक जो चंद्रयान है उसके रेगुलर चेकअप्स चल रहे हैं और ये भी जानकारी दी गई कि सब कुछ जैसा तय है उस हिसाब से चल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से चंद्रयान अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जो तस्वीर भेजी गई है, तो चंद्रयान से कौन सी तस्वीर किस कैमरे से आती है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इस बार ये तस्वीर LDPC, जो एक कैमरा लगा है जिसका फुल फॉर्म होता है लैंडर डिटेक्शन पोजीशन कैमरा, लैंडर डिटर्मिनेशन पोजीशन कैमरा, इस कैमरे के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाता है कि लैंडर कौन सी लैटिट्यूड पे है, लॉन्गिट्यूड पे है, यानी कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन उस कैमरे से पता चलती है। और ये पहली तस्वीर है जो उस कैमरे के थ्रू MOX यानी मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स इसरो में प्राप्त हुई। और उसके बाद इसरो की जानकारी के अनुसार जो इसरो ने जानकारी दी, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में मौजूद वैज्ञानिकों के बीच हर्ष की एक लहर है, उत्साह है तमाम लोगों में, क्योंकि जो जैसा चलना चाहिए था, ऑल इज वेल ऑल सेट, उसी तरह से सारी चीजें चल रही हैं। और अब तो LDPC कैमरे से भी तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। और इसका मतलब है कि जिस कैमरे का जिक्र आप कर रहे हैं, चांद की जो साउथ पोल पर लैंड होना है चंद्रयान 3 को, वो जगह मुफीद कौन सी होगी, वो कौन सी जगह जहां पर लैंड करना है, ये भी पता क्या इसी कैमरे से वहां पर लगाया जाएगा? अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखें तो इस तस्वीर में अलग अलग तरह के कुछ अक्षर आपको उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम जो जगह हैं, इनका नाम इसरो के द्वारा नामांकित किया गया है। ये कुछ क्रेटर्स हैं, आप देखेंगे दो क्रेटर्स के बीच एक प्लेन सी जगह दिखाई दे रही है। ये वही जगह है जहाँ पे ये डिटरमाइन तय किया गया है कि इस इलाके में चंद्रयान को उतारा जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अब वो वक्त आ गया है जब चंद्रयान अपने उस जगह को ढूंढ रहा है, जो जगह उसके लिए तय की गई है जहाँ उसे उतरना है। ये जो कैमरा है, इस कैमरे की ये पहली तस्वीर है और ये इंगित करता है कि अब चंद्रयान बहुत तेजी से अपनी उस जगह को तलाश रहा है जहाँ पे उसे लैंड करना है। हालांकि अब ये जरूरी भी है क्योंकि वक्त महज कुछ घंटों का ही रह गया है, तकरीबन 24-25 या आप कह
28-30 घंटे का वक्त रह गया है, तो अब ये तमाम कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन सबसे हर्ष की बात ये है कि जिस तरह से इसरो ने सोचा था उस तरह से सारी चीजें चल रही हैं, और ये भी बताया गया है कि जो रेगुलर चेकअप्स हैं वो लगातार जारी हैं, लगातार चंद्रयान के रेगुलर चेकअप्स किए जा रहे हैं, जिसमें ये ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं आ रही है। और अभी जो हालिया चेकअप्स हैं उसके अनुसार लैंडर जो है वो अपने पुख्ता हालात में है। इसरो जिस तरह से लिखते हैं, उनके लिखने का जो तरीका है उसमें वो लिखते हैं कि ऑल इज गुड एंड लैंडर्स हेल्थ इज फाइन। इसका मतलब ये सब बड़ी कुछ बात है, और लैंडर ये जो बड़ी है, बात है, क्योंकि देखिए तकनीक ऐसी है कि जैसे लूना 25 के केस में हमने देखा कि जैसे ही तकनीकी खामी आई ये पता चल गया था कि चीजें मुश्किल हो सकती हैं, लेकिन अभी तक लैंडर विक्रम के साथ सब कुछ ठीक है। ये बड़ी बात है, और इसी बड़ी बात को पूरा देश समझ रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।